और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज अलीगढ़ और बुलंदशहर के दौरे पर सीएम योगी रहेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। घर घर संपर्क अभियान के जरिए करेंगे चुनाव प्रचार। अलीगढ़ के नामी सामाजिक हस्तियों के साथ बैठक भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी घर घर संपर्क अभियान के जरिए चुनाव प्रचार करेंगे। अलीगढ़ के जो नामी सामाजिक हस्तियां हैं उनके साथ बैठक करेंगे। अलीगढ़ से भगवा विजय का कॉरिडोर, एएमयू से दूर होगा जिन्ना का जिन। पलायन पर विपक्ष को घेरेगी बीजेपी। आज अलीगढ़ के रन में सीएम योगी। एक तरफ जहां चुनाव आयोग ने कोरोना के मद्देनजर चुनावी रैलियों पर रोक लगा दी है, तो वहीं तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटरों को साधने में जुटी है। इसी कड़ी में बीजेपी अब अपने डोर टू डोर कैंपेन को और धार देने में जुट गई है। बीजेपी के इस कैंपेन का मोर्चा आज से खुद गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज नेताओं ने संभाल लिया है। आज जहां अमित शाह कैराना में होंगे, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ और बुलंदशहर का दौरा करेंगे। योगी आदित्यनाथ सुबह 11:30 बजे अलीगढ़ पहुंचेंगे। 12:25 पर दीनदयाल अस्पताल से रघुनाथ पैलेस पहुंचेंगे। 12:30 बजे बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। घर घर संपर्क अभियान के जरिए चुनाव प्रचार करेंगे। अलीगढ़ के नामी सामाजिक हस्तियों के साथ बैठक भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रघुनाथ पैलेस से पीएसी हेलीपैड पहुंचेंगे और बुलंदशहर के लिए रवाना हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। केराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इससे पहले जब योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ का दौरा किया था, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ को 7,255 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी थी। सीएम योगी ने 660 मेगावाट की यूनिट के उद्घाटन के साथ ही 9 पारेषण केंद्र और 113 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। साथ ही 2000 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट भी बांटे थे। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला था। अलीगढ़ में जहां जिन्ना का भूत हावी रहा है, तो वहीं यहां पर पलायन के मुद्दे की भी गूंज सुनाई देती रही है। खुद ये हिंदुस्तान ने भी अलीगढ़ के पास नूरपुर गांव में पलायन के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। मतलब साफ है, योगी आदित्यनाथ जहां अपने अलीगढ़ दौरे के जरिए एक तरफ पलायन पर विपक्ष को घेरने की कोशिश करेंगे, तो वहीं जिन्ना प्रेमियों पर भी योगी का चाप चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।